नमस्कार हिमतक पे एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश एलाइड प्री एग्ज़ाम पेपर 2015 आपके लिए लेकर आए हैं, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आपने इससे पहले जो एलाइड का हमने 2016 का जो एग्ज़ाम का प्री पेपर डाला था इस चैनल हिमतक पर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो फिर उसके बाद आपके एग्ज़ाम है 7 अप्रैल को, तो उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। आज हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हिमाचल प्रदेश के एलाइड प्री एग्ज़ाम के लिए। तो अगला जो पार्ट है, आपने अगर वीडियो को लाइक किया और वीडियो को आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जल्द से जल्द अगला पार्ट इसका लेकर आएंगे। तो 60 क्वेश्चन हमने एलाइड प्री एग्ज़ाम 2016 के आपको बता चुके हिम तक। आई बटन आप ऊपर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो वो दोनों पार्ट। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए एलाइड प्री एग्ज़ाम 2015 का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है? तो इसमें जो ऑप्शन आए थे आपके वो थे ये, ठीक है, देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर। इसमें था ऑप्शन ए बाटा, आंध्रा, गिरी, यमुना। तो राइट आंसर जो था इसका था वो था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गिरी इसका राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्ष भर में सबसे कम वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 2 था एलाइड का, और इसका जो राइट आंसर था वो है स्पीति में, ठीक है। अब जो पांगी है ये है चंबा के भरमौर में, ठीक है, सराज है मंडी में। अगला क्वेश्चन था, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसका आपको एग्ज़ाम एलाइड एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 2015 में, उसमें आपको ये प्री एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, वही क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। तो आपको बताना था इस क्वेश्चन का आंसर कि लामा डल झील जो है वो कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा में हो सकती है, किन्नौर में हो सकती है, चंबा में भी हो सकती है, और लाहौल स्पीति में नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि जो इस प्रकार की जो झीलें हैं वो लाहौल स्पीति में कम ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लामा डल झील ये चंबा में, ठीक, एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा उसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? आपको ये बताना, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो है वो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तेंगपो जो है वो स्पीति नदी की सहायक नदी है, और जो भी सहायक नदी उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत बार उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी की सहायक नदी कौन सी है। अब जो क्वेश्चन है वो समझिएगा आप, स्थानीय लोग मतलब लोकल जो है वो हिमाचल प्रदेश के, वो किस नदी को दुख का दरिया ठीक है कहते हैं, ये आपको बताना था। तो इसमें सियोल है, उल है, बनेर है या स्वांग है, ठीक है, तो कौन से इसमें राइट आंसर है ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, और ये कहाँ की है आपको पता होगा, मैंने आपको कल जो पिछला क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था कि स्वांग पर जो जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही थी या चलाई जा रही है वो किसके सहयोग से, कौन सा देश उसमें सहयोग कर रहा है? तो वो जापान के सहयोग से, ये सियोल जो स्वांग नदी है इस पे जापान के सहयोग से ये परियोजना चलाई जा रही थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कुल्लू घाटी के लोग, ठीक है, कुल्लू घाटी के लोग मणिकर्ण को किस देवता से जोड़ते हैं, या मणिकर्ण को किस देवता से जोड़ा जाता है कुल्लू घाटी के द्वारा, ठीक है, ये तो राइट आंसर था इसका सेब, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 का सही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि हिमाचल निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? तो जलप्रपात ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है, ठीक है। तो सतधारा है, कोपरा है, कालिका है या धनेका, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोपरा। और अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बड़ा सिगड़ी। अब जो चुलोंग घाटी है या चुलोंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, ये आपको बताना था, चुलोंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन को समझिएगा आप, चुलोंग चोटी
चोटी क्या होती है आपको पता होगा, ठीक है, और दूसरी बालों वाली चोटी मत समझिएगा आप इसको, ठीक है। राइट हैंड स्ट्रेच का कांगड़ा में ये चुलोंग चोटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 था, कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इसका आंसर आपने बताना था ये बारू है, द्राटी है, कालीचो या तंगसार है। तो इसका जो राइट आंसर है, और इस क्वेश्चन को याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कांगड़ा चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो ये बारू आप कर दीजिएगा, बारू या दारू, आप इसको अपने दिमाग में जैसे भी याद रखने के लिए आप कुछ बारू या दारू को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं, नेहरू कुंड, रोरिक आर्ट गैलरी, नगर महल या तपोवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये तपोवन जो है कुल्लू में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 1997 ईस्वी में शिमला जिले का कौन सा गांव आंध्रा नदी में बह गया था, क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसका जो राइट आंसर है वो है चिड़गांव, ठीक है। ये चिड़ता बहुत है इसलिए बह गया था, ठीक है। आपको एक याद करवाने के लिए हम आपको ये सब कुछ शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, जो भी हम आपको बातें बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 था, हरिराय मंदिर चंबा के किस इलाके में, हरदासपुरा, जनसाली या परेल। तो राइट आंसर जो इसका है वो चौगान, ठीक है, हरिराय मंदिर ये मध्य प्रदेश के किस जिले में या ऊना जिले में कौन से स्थान पर मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आया था एग्जाम में, और इसका जो राइट आंसर है कि पेरनेगा मेला जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर आपसे था पूछा हुआ था वो है गसोली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मुख्यतः गद्दियों द्वारा मनाया जाता है, त्यौहार पूछा है, ठीक है, गद्दियों द्वारा। तो गद्दियों कौन है, गद्दियों का जो त्यौहार है वो है नवाला, ठीक है, गद्याली नाटी आपको याद होगी, ठीक है, वही। अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी मेला किस महीने मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 16 था, ये पूछा था आपसे, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जून जुलाई, जब भी, तो कब मनाया जाता था ये हिमाचल प्रदेश बिलासपुर का नलवाड़ी जो मेला था, ठीक है, ये आपसे पूछा हुआ था। तो कौन से महीने में मनाया जाता है, ये तो शुक्र है कि, ठीक है, इंग्लिश में ये मंथ पूछे हुए हैं, फरवरी मार्च, नहीं तो जो देसी महीने होते हैं, ठीक है, उनके नाम पूछे जाते हैं। और आप बड़े से बड़े इंटेलिजेंट क्यों ना हो, फिर अगर आपको देसी महीने के बारे में जानकारी नहीं है वो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पिछली बार मैंने एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि मिंजर का मेला कौन से महीने में, ठीक है, और कौन से सप्ताह में लगता है। तो आप खुद सोचिएगा कितना डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नायब तहसीलदार का जो क्वेश्चन पेपर हमने आपको बताया था उसमें ये क्वेश्चन था कि मिंजर मेला कौन से महीने में लगता है, महीने इंग्लिश में नहीं दिए थे, ठीक है, फरवरी मार्च नहीं थे, देसी महीने थे। और आपको वीक पूछा था कि कौन से वीक, कौन से वीक में, कौन से सप्ताह में वो लगता है, ठीक है। तो वो उस प्रकार के क्वेश्चन HPPSC द्वारा पूछे जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है मार्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगोटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस इलाके में बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर था, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिएगा एक बार, भगोटी बोली हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बोली जाती है, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, सोलन। तो आपको नाम से याद होगा, क्वेश्चन को आप समझिएगा, सोलन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन था, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डिमोनिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ है, ठीक है, डिमोनस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ है, ठीक है, या फॉर्म कहाँ है ये, तो आपको इसका बताना था। तो राइट आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है, ये डिमोनस्ट्रेशन जो है, डिमोनस्ट्रेशन ये स्लो में है। और अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को कब राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली थी, क्वेश्चन नंबर 19 है, और इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 1954, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको आप समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। नृत्य पूछा हुआ है, तो दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से मुख्यतः जुड़ा हुआ है, आपको बताना है, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू।
इनमें से किस क्षेत्र के साथ ये नृत्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। दानव नृत्य आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और लाइक वीडियो को आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेगा, वो पटवारी का हो या नायब तहसीलदार का या HS तक या जो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपको जो भी चाहिए, जॉब की इन्फॉर्मेशन तो हम आपको देते रहते हैं, परंतु इसके साथ साथ जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। PDF में आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए होगे तो। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ठीक है, ये दानव नृत्य आपसे पूछा हुआ है, आपने इसका आंसर बताना है। तो आपको पता है जो लोग डेली वीडियो देखते हैं हमारे इस चैनल की, उनको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो हम आपको अगले पार्ट में देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर। धन्यवाद। जय।